Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Anushree Mughal. कैसे आप सब लोग? हमेशा की तरह खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनुश्री, और आज यहाँ मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो एकदम बहुत यमी से नगेट्स की है। बहुत इजी रेसिपी है, अपने घर में इसको जरूर ट्राई कीजिए, और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि नगेट्स तो बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं और बहुत हेल्दी भी है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं जल्दी से। यहाँ मैंने ली है चिकन बोनलेस, ये एक पाव है, चेस्ट वाली ली है मैंने, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। यहाँ दो ब्रेड स्लाइस ले लिए मैंने और इनको क्रश कर लिया है। एक टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सोया सॉस लिया है, नमक लिया है मैंने हाफ टी स्पून, पेपरिका पाउडर लिया है हाफ टी स्पून, और ब्लैक पेपर लिया है 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने लिया है लहसुन अदरक, तो अदरक जो है वो तकरीबन आधी इंच का पीस है और लहसुन की 3 से 4 जमे। बस ये चीजें हमें चाहिए नगेट्स बनाने के लिए, तो चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ। यहाँ सबसे पहले मैंने एक ग्राइंडर ले लिया है और उसके अंदर ब्रेड का जो मैंने क्रम बनाया हुआ था वो ऐड कर दिया है, और साथ ही मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, तो ब्रेड आपने लेनी है वो ना फ्रेश ब्रेड होनी चाहिए, या इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये ड्राई ब्रेड ना हो, फ्रेश ब्रेड है उसके क्रम्स है। नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, लहसुन अदरक, हम ये सब कुछ डालने के बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना है ताकि ये बिल्कुल एक जैसा हो जाए, सारे जो मसाले हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाए, लहसुन अदरक अच्छी तरह से पिस जाए। तो जी हम अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तकरीबन आपने इसको 5 से 10 मिनट तक ग्राइंड करते रहना है, बीच में रोक के फिर आप मिक्सअप कर लें, फिर इसको ग्राइंड करें। मेजरमेंट का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जो चीजें मैंने इसमें आपको नोट करवाई हैं इतनी इतनी लेनी है। अगर आप ब्रेड ज्यादा ले लेंगे तो आपके नगेट्स बहुत हार्ड हो जाएंगे, और कम ले लेंगे तो उसमें अच्छी तरह से बाइंडिंग नहीं होगी। तो आपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे बिल्कुल मेजरमेंट जो है उसका ख्याल रखना है। तो जी चिकन ये हमारी बहुत अच्छी तरह से पिस चुकी है, बिल्कुल एक सा अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर आ गया है। अब मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के और फिर चिकन को जो है वो एक सा कर लूंगी, बहुत सॉफ्ट सा टेक्सचर है आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक ट्रे ले ली है और इसके ऊपर मैं इस चिकन को स्प्रेड कर रही हूँ इवनली, और उसके बाद मैं नाइफ से इसको कट करके शेप दे दूंगी। अगर आप चाहें तो अपने हाथों की मदद से किसी भी शेप का बना सकते हैं या किसी सांचे से कट कर सकते हैं, लेकिन ट्रे पे जो ये आपने चिकन स्प्रेड करनी है उससे पहले पहले अपने हाथों को भी ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और ट्रे पर भी मैंने जो है वो ऑयल लगा लिया है ताकि जो हमारी चिकन है चिपके नहीं। उसके बाद मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है, अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ इस तरह से निकाल के, और थोड़ा सा हाथों की मदद से जो है वो शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी शेप की बना सकते हैं, किसी भी शेप की कट कर सकते हैं, जैसे बच्चों को स्टार्स वाले हार्ट शेप के पसंद होते हैं, अगर आपके पास कोई भी सांचा है तो आप उसे इसको कट कर सकते हैं। जी मैंने तो अपने नगेट्स को जो है वो इस तरह कट करके और साइड थोड़ी सी इनकी दबा के ओवल सा शेप दे दिया है, इसी तरह से मैं सारे जो नगेट्स हैं इनको शेप दे दूंगी। नगेट्स हमने बहुत मोटे मोटे नहीं बनाने हैं वरना ये अंदर तक फ्राई नहीं होंगे, तो हमें थोड़े से पतले ही रखने हैं क्योंकि इसके बाद हम इसके ऊपर कोट करने वाले हैं अंडे की और ब्रेड क्रम की, तो ये वैसे भी फूल के बड़े हो जाएंगे। तो जी देखिए इस तरह से मैंने सबको शेप दे लिया है, और अब मैंने यहाँ पर एक अंडा अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसके अंदर मैंने इसको डिप किया है और फिर ब्रेड क्रम्स को डिप किया है। ये मैंने फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम बनाए हैं, आप चाहें तो फ्रेश ब्रेड के लें या ड्राई ब्रेड के, आपकी मर्जी है। इस तरह से हम सारे जो हमारे नगेट्स हैं उनको अंडे में कोट करके फिर क्रम्स में कोट करेंगे। तो मैं हमारे मेरे सारे नगेट्स हैं इनको अच्छी तरह से कोट कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो ये बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, तो इसी तरह से जैसे ब्रेड में और अंडे में कोट करने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख के और फ्रीजर में भी रख सकते हैं, ताकि जब आपका दिल चाहे आप फौरन निकालें और इनको फ्राई करके बच्चों को दे दें। तो जी मेरे सारे नगेट्स इस तरह से देखें आप कोट हो चुके हैं, सब तरफ से मैंने अच्छी तरह इन पर ब्रेड लगा ली है। अब मैं इसको इनमें से हाफ को जो है वो फ्रीज कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ एक कंटेनर ले लिया है, इसके अंदर इस तरह से मैं इसको रख रही हूँ। जितने नगेट्स इसके अंदर आएंगे हम इसमें रखेंगे और उसके बाद इसको कवर करके फ्रीजर में रख देंगे, जब भी कभी हमारा मूड होगा तो हम इसको निकालेंगे और फ्राई करेंगे और सर्व करेंगे। तो जी ये बॉक्स हो गया फ्रीजर में, अब हम बाकी के नगेट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, अब मैं गरम ऑयल के अंदर जो है वो हमारे नगेट्स ऐड कर रही हूँ, और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक से अच्छी तरह कुक हो जाए।
तो जी ये हमारे नगेट्स जो हैं बहुत मज़ेदार से फ्राई होना शुरू हो गए हैं और हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में पलटते जाएंगे। ये देखें एक साइड से थोड़े फ्राई हो चुके हैं तो मैंने इसको पलट दिया है। अच्छा, जब भी कभी हम फ्रीज हुए फ्राई करेंगे तो हमने हमेशा उसको ठंडे ऑयल में डालना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हमारे जो नगेट्स हैं वो बहुत मज़ेदार से और अच्छे से कलर के फ्राई हो चुके हैं, इस कलर का ही हमें चाहिए, तो अब हम इसको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो हमारे मज़ेदार से यमी से जो नगेट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको केचप, मेयोनीज या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करें और उसका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।